अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम मौजूद हैं वायरलेस गेट के पास और यहाँ से अभी 33 अप पाक बिजनेस एक्सप्रेस गुजरेगी और हम इसे कैप्चर करने हुए हैं। चलिए हम आपको दिखाते हैं। इस वक्त देख सकते हैं बहुत ही गर्मी हुई कराची में और पीछे आपको दिखाते तो भी फटक आपको दूर नज़र आ रहा होगा। अभी ट्रेन डिग रोड जंक्शन के पास है और देखते हैं आज इसे कौन सा इंजन लीड करता है। बहुत गर्मी है। इस वक्त हम मौजूद हैं 33 अप पाक बिजनेस एक्सप्रेस को कैप्चर करने और कराची में आज बहुत ही गर्मी हो रही है। 38 डिग्री सेंटीग्रेड आज कराची में दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया और महसूस करने वाला दर्जा हरारत 44 डिग्री तक है। फाटक बंद हो चुका है, सिग्नल ग्रीन हो चुका है पाक बिजनेस एक्सप्रेस के लिए। आपको लाइट नज़र आ रही होगी दूर और देखते आज इसे कौन सा इंजन लीड करता है। मेरे ख्याल से आज इसे A30 लीड करेगा। देखते हैं A30 के हॉर्न की आवाज़ सुनाई दे रही है। ट्रेन बहुत ही तेज आ रही है। ट्रेन हमने 33 अप पाक बिजनेस एक्सप्रेस को कैप्चर किया था 4:28 पे और अभी यहाँ से मिल्लत एक्सप्रेस गुजरेगी और इसका नंबर मुझे याद नहीं, शायद 17 अप है ये। तो अभी टाइम जो हो रहा है मैं देख के बताता हूँ। कैप्चर करने के लिए जो कि मिल्लत एक्सप्रेस है। ये मौसम अच्छा हो गया है। हम 4:30 गए थे तो बहुत ही गर्मी थी लेकिन अब यहाँ हवा चल रही है, मौसम अच्छा। 17 अब मिल्लत एक्सप्रेस डिग्रो स्टेशन को क्रॉस कर चुकी है और अभी आपको दूर
लोकोमोटिव की लाइट्स नजर आ रही होंगी। अभी ट्रेन दूर है तो इसलिए फाटक अभी खुला हुआ है और सिग्नल रेड है। फाटक बंद हो चुका है और सिग्नल ग्रीन हो चुका है तो अब ट्रेन बस पहुंचने वाली है। H30 लीड कर रहा है, पाक बिजनेस एक्सप्रेस को भी H30 ने लीड किया था और इसको भी H30 लीड कर रहा है। सॉरी, इसको H30 नहीं HGMU 30 लीड कर रहा है। लोकोमोटिव नंबर 8226 अब मिलत एक्सप्रेस भी गुजर गई। अब डाउन ट्रैक पर एक लोकोमोटिव आ रहा है। RG 24 5211 बाउद्दीन ज़करिया एक्सप्रेस HGMU 30 के साथ HGMU 30 बाउद्दीन ज़करिया एक्सप्रेस को लीड करते हुए। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ और इसे सब्सक्राइब करें।